स्ट्रीट फूड जाएगा, बिस्का दो बिस्का दो बिस्का दो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो आज है हमारा दूसरा दिन, यानी व्लॉगिंग का है दूसरा दिन, वैसे तो है तीसरा दिन, क्या बोलते हैं जमील भाई? हाँ, तो फिर अभी सुबह सुबह हो रही है, आज हम लोग ये लोगों के घर में आए हैं। कल ये लोग मॉर्निंग में नाश्ता लेके हम लोग के घर पे आए थे, रेंका था, आज हम लोग इनके घर पे आए हैं। क्या तो फिर आज इन्होंने क्या लाया भाई? पकौड़े हैं, कड़ी है, ये कड़ी है और ये अपना दो पोहा प्लेट है और ये हमारा सीक्रेट पैकेट और ये भाई की पेटी दिखाएंगे हम। ये भाई की पेटी हमारी पेटी है, बिस्किट वाली पेटी। तो भाई आज का प्लान क्या है, जरा एक बार बता दो। आज पहले हम जाएंगे डाइनिंग का झोपड़ा, फिर पहले तो दरगाह पे यानी कि 8 तारीख को ये व्लॉग तो आपको लेट मिलेगा, बट ये शूट हो रहा है 8 तारीख को, लाइव हम लोग जाए, मतलब जा चुके रहेंगे। हाँ, तो चलो फिर नाश्ता करके निकलते हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे कैसे जाएंगे वो आपको सब बताएंगे। चलो मैं ये क्या करते हैं इसमें, क्या पीते हैं? मेरे को यहाँ पे रिंग रिंग अच्छी रहती है, अंगूठिया लेके से जाएगा। ये देखो क्या दिखाओ, मस्त लग रहा है। कौन सा? बहुत बड़ा है ना वो, बड़ा है ये। लगने में अच्छा लग रहा है ये वाला ना। हाँ बिल्कुल, डिजाइन अच्छा भाई। ऐसे में छोटा है, दिखाओ भाई कौन सा निकाल के देखो भाई। अच्छा चलो ठीक है, कोई निकाल देना, मस्त है। और ये रात ढाई दिन की झोपड़ी का रास्ता, घूम फिर कराओगे बहन, फोटो तैयार हो जाएगा।
कैसा लग रहा है अच्छे से एक नंबर। ये कैसे लगा ढाई दिन की झोपड़ी? अरे बहुत अच्छी है, बहुत ये इतना अच्छा बना हुआ है लेकिन फिर भी इसको बोलते हैं ढाई दिन की झोपड़ी। लेकिन ढाई दिन में बना है बोलते हैं, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा है। वो तो किसको भी नहीं होता बट लोग बोलते हैं कि ढाई दिन में कम्प्लीट किए हुए। मुझे नहीं लगता तो अभी हम लोग ढाई दिन की झोपड़ी अच्छे से घूम लिए। जोहर का टाइम था तो अंदर नमाज भी चालू थी तो नमाज भी पढ़ लिए, अम्मी लोग ने भी पढ़े। अम्मी कैसा लगा यहाँ पे? तो अम्मी लोगों पहला अम्मी ना फर्स्ट टाइम आया यहाँ पे है ना? अम्मी फर्स्ट टाइम आई लेकिन इतना अच्छा लगा ना, नमाज पढ़ी ना वहाँ पे, इतना खुला मेन पूरा खुला हुआ है हाँ। और इतनी हवा आ रही थी ना, मैं तो नमाज पढ़ते पढ़ते ही सो जाती थी। हाँ मजा आया। अभी यहाँ से निकल रहे, 2:15 हो रहे, देखते अभी कुछ खाने को मिलता तो खाएंगे, नहीं तो फिर सीधा अनासागर दिखाएंगे। देखो वहाँ से निकले ना बाहर कितनी धूप है कितना, और वहाँ पे धूप का पता नहीं चल रहा था, इतना ठंडा। हाँ और यहाँ पे ना दरगाह, दरगाह से ज्यादा दूर नहीं है ढाई दिन की झोपड़ी। ये है खाला, मतलब ये जो ढाई दिन की झोपड़ी ना दरगाह से ज्यादा दूर नहीं है, हार्डली 10 मिनट का रास्ता है वॉकिंग, यानी कि आप पैदल आ सकते हो। नींद बहुत लगती। हाँ देखो खाला का नींद बहुत लगता ना, बैठ के नमाज पढ़ने वाले सोने वाले थे। हाँ इतना अच्छा लग रहा था ना वहाँ पे। तो अभी ये रहा गेट जो अभी हम लोग बाहर निकल रहे, तो ढाई दिन की झोपड़ी को टाटा बाय बाय, मिलेंगे फिर आएंगे कभी वापस। गरीब कैसे बोलते हैं क्या? तू बड़ा बनेगा, तू अमीर हो जाएगा, तेरे पोता आएगा, लाख 20 रुपया लाख। अच्छा और तू मतलब तेरी शादी नहीं हुई तो क्या बोलेगे? नहीं नहीं, जैसे अभी मेरी अम्मी है ना, शादी नहीं हुई, उनको तुझे अच्छी बहू मिलेगी, गोरी बहू मिलेगी। अच्छा और छोटा बच्चा रहेगा तो अमीर बनेगा, बड़ा बनेगा ला पैसा ला। तो दोस्तों जैसे कि हमने आज घूमा थोड़ी बहुत होटल, बट हम लोग को समझ में आया कि कहाँ खाए, क्यों भीड़ इतनी, और फिर खाना भी मतलब का नहीं लगता है मुझे। यहाँ पे टेस्ट अच्छा मिला, जैसे कि हम लोग ने पहला कौन सा लबाबदार दिया था ऑर्डर, लबाबदार चिकन का भी टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। फिर कल हम लोग ये जन्नत होटल का स्पेशल डिश था है ना भाई, जन्नत होटल का स्पेशल डिश था जिसमें चिकन मटन अंडा वंडा सब आता, वो डिश थोड़ी मतलब कॉस्टली थी, यानी कि 400 तक के वो डिश थी प्राइस, बट उसमें सब आ रहा। हाँ सब था, यानी कि आराम से चार चिकन टिक्का चिकन मटन के पीस, हाँ सब वो एक ही डिश में सब पीसेस थे। और आज हम लोग कुछ और ट्राई करने वाले हैं, और हम लोग ने डिसाइड कर लिया है आज हम लोग ऑर्डर देने वाले हैं बटर चिकन दाल तड़का और 4 तंदूरी रोटी अभी के लिए, उसके बाद जो लगेगा राइस वाइस तो मंगाएंगे। तो अभी खाना आएगा ना तो आपको बताता हूँ। और फिर से ना बोलते होटल का जन्नत होटल, यहाँ पे आपको टेस्ट अच्छा मिलेगा, दरगाह के बहुत ही करीब है, ठीक है। जिसको भी अगर अच्छा लगे, फूड डिलीशियस लगे, तो आप आके यहाँ पे खा सकते हो। हाँ भाई सबसे बेस्ट है चिकन लबाबदार, चिकन लबाबदार सही में बहुत अच्छा है, वो डिश हम लोग ने सबसे पहले खाए थे और 2 से 3 बार हम लोग खा चुके हैं। ये देखो हमारी तंदूरी रोटी आ गई, और ये है बटर चिकन, और ये है भाई आके सर्व करने वाले। अभी क्या दाल तड़का बाकी ना? मैं दाल तड़का और कोल्हापुरी, कौन सा चिकन? एक हम लोग ने कोल्हापुरी सालन का भी ऑर्डर दिया है, अभी वो आना बाकी है। तो चलो ये रहा इनका बटर चिकन सर्व हो रहा है बस, और हमारी तंदूरी रोटी यहाँ पे, और ये रहा कोल्हापुरी चिकन, देख रहे अब इसका टेस्ट देखना है कैसा होता है। अच्छा ये हमारी प्लेट आ गई है। ओहो बस अम्मी, अम्मी की भी प्लेट बता। क्या बोल रहे? 80 रुपये बोले ना एक का, तो हाँ जाना। एक का 20 रुपये, 4 का जाने का, आने का नहीं नहीं सिर्फ जाने का। और आगे 2 जन बैठेंगे और पीछे 2। अरे वाह, हम लोग की मतलब उल्टी सवारी रहेगी ये तो। भाई कितना देर लगेगा यहाँ से पहुँचने में? 5-7 मिनट, यानी कि नज़दीक ही है। और ये हम लोग से लिए है 20 रुपीज़ पर सीट, यानी कि 80 रुपये लगेगा दरगाह से अनासागर जाने के। हाँ और हम लोग उल्टा बैठे क्या खाना, क्या बोलते हैं सब ठीक है ना? अरे हम लोग ना अभी खाना खा के निकले होटल से, वो तो मैं बताया नहीं आप लोगों को, हम लोग ने ना दूसरा सालन ऑर्डर दिए थे, कौन सा था खाला वो? कोल्हापुरी चिकन, कोल्हापुरी चिकन। और सही में यार होटल का प्राइस भी एकदम मतलब इतना कॉस्टली नहीं है, हम लोग ने एक बटर चिकन ऑर्डर दिया था, एक कोल्हापुरी चिकन ऑर्डर दिया था, और 5 तंदूरी रोटी और 2 राइस और 2 प्लेन राइस
और एक स्पेशल चाय भी ऑर्डर किया था ना हमने, एक स्पेशल चाय ऑर्डर दी। इतना सब ऑर्डर देने के बाद हम लोग चारों ने पेट भर के खाया और प्राइस से हुआ 555 रुपया, समझ रहे 555 यानी कि 550 रुपया हुआ हम लोग का। मतलब अच्छा था, प्राइस भी सही था, टेस्ट भी अच्छा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अनासागर, मिलते आगे। हाँ, पहले तो हम लोग विदाउट पैसे गए, अभी 20 रुपीज पर पर्सन टिकट हो चुका है और वो भी ऑनलाइन सिस्टम रखे थे लोगों ने, बाय हाँ पी बाय पेटीएम। हाँ, इन लोगों को बता दे बाबा, जो भी बच्चे आएंगे ना अनासागर में, यहाँ पे पैसे लग रहे हैं अभी 20 रुपीज पर पर्सन। हाँ, ऑनलाइन सिर्फ पेटीएम पे। हाँ, ये पहले ऐसा कुछ था नहीं, और कोई ऐप नहीं है, ओनली पेटीएम। तो ये देखो, हम लोग आ चुके हैं अनास सागर में, बहुत बड़ा समुंदर है, और यहाँ पे देखो मछली, फिश, मस्त ना। लेकिन बस बस धूप बहुत है, लेकिन सही में धूप बहुत है, बहुत है। चल थक गए, थोड़ा बैठेंगे। चलो चलो चलो, चलो थोड़ा देर बैठेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे हम थोड़ी देर में। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं अनासागर से। देखो अनासागर में इतना कुछ खास नहीं है, सिर्फ एक समुंदर है, बस वही देखने लोग आते हैं। समुंदर बहुत मायने रखता है। हाँ हाँ हाँ, बट इसीलिए वो मायने के ही हम छोटे से कासे में आया था ये समुंदर का पानी पूरा। हाँ, ये वही समुंदर है। अभी कैसे अम्मी आए ना तो फिर बनता है यार, अम्मी अभी फिर पता नहीं नेक्स्ट टाइम हम लोग का कब आना हो, तो इसीलिए मैं जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा अम्मी को घुमा ले रहा हूँ। और इंशाल्लाह अभी हम लोग कल जाएंगे, यानी कि 9 तारीख को हम लोग जाने वाले हैं शलवार शरीफ। और वीडियो कैसा लग रहा है बताना यार। देखो अभी पूरा दिन का सुबह से लेके अभी तक का तो जो था बता दिए, अभी फिर घर पे जाएंगे, थोड़ा बहुत आराम करेंगे, फिर रात में वही ज़ियारत करने वापस दरगाह पे जाएंगे। अभी घड़ी घड़ी भी वही एक चीज़ आपको दिखाऊँगा तो थोड़ा वीडियो बोरिंग लगेगा, तो इसीलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट डे मिलेंगे कल मॉर्निंग के साथ, यानी कि शलवार शरीफ की सुबह। जब तक के अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय। देखो गाड़ी नहीं पलटी हो, गाड़ी वाड़ी पलटी नहीं होना चाहिए। संभाल ला हाँ भाई, जल्दी में। यार मैं घोड़े गाड़ी में बैठी हूँ।